आज मैं ब्लैक दाल बनाना जा रहा हूँ। उसके लिए मैंने दो अनियन लिया है, एक चम्मच हींग डालने वाला हूँ, एक टोमेटो, चार गार्लिक कली, एक अदरक टुकड़ी, तीन ग्रीन चिल्ली, दो रेड चिल्ली, एक चम्मच जीरा लेना है, 1.5 स्पून कस्तूरी मेथी, 1 वाट अमूल फ्रेश क्रीम, 2 कटोरी ब्लैक उड़द, 1 कटोरी राजमा, 2 तेज पत्ता, दाल मसाला और हरा धनिया। ब्लैक दाल के लिए मैंने 2 कटोरी उड़द भिगोया था 6 घंटे के लिए, फिर उसको 6 घंटे बाद बॉईल किया, कम से कम 6 सीटी बजाया स्लो गैस पर। सेम उसी प्रकार 1 कटोरी राजमा लिया, उसको ही 6 घंटा भिगोया, कम से कम 6 सीटी बजाया स्लो गैस पर। अभी ये तैयार है राजमा। अभी चलो ब्लैक दाल बनाने जा रहा हूँ। गैस चालू कर रहा हूँ, कढ़ाई रखा है, गर्म होने तक रुकना है 2 मिनट। 1 चम्मच तेल डाला है, 1/2 चम्मच जीरा डाला है, 1/2 चम्मच हींग, 2 रेड चिल्ली, 3 छोटे छोटे तेज पत्ते लिए, जिंजर गार्लिक चिल्ली पेस्ट, 2 बारीक ऑनियन कटा हुआ, मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट पकाने का है। 5 मिनट हो गया, अभी टमाटर डालने जा रहा हूँ, एक छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ। टमाटर डालने के बाद 3 से 4 मिनट पकाना है। टमाटर पकने का है, 2 छोटा स्पून कस्तूरी मेथी डाल रहा हूँ, 1 चम्मच नमक। दाल मखने के लिए मैंने ये मसाला यूज़ कर रहा हूँ। 2 मिनट पकाना है मसाले को। अभी ये पानी डाल रहा हूँ, जो राजमा बॉईल किया वो बचा वो पानी है। कम से कम 5 मिनट तक पकाना है इसको। अभी पक गया है, अभी मैं राजमा डालने जा रहा हूँ। 1.5 कटोरी राजमा है, 2 मिनट के लिए इसको मिक्स कर रहा हूँ। ब्लैक कलर बॉईल किया हुआ है, 2 कटोरी लिया है मैंने। अमूल फ्रेश क्रीम 1 कटोरी आए, हरा धनिया। ये ब्लैक दाल एकदम रेडी है, अभी इसको कांच के बाउल में निकाल रहा हूँ। अभी मैं तड़का लगाने जा रहा हूँ उसका। छोटा चम्मच घी लिया है, थोड़ा जीरा डाला है, 2 टुकड़ी ग्रीन मिर्ची, 1 रेड चिल्ली, स्वाद अनुसार रेड चिल्ली पाउडर, कस्तूरी मेथी, अमूल फ्रेश क्रीम, हरा धनिया। ब्लैक दाल रेडी है।